जी हम भी हमारे एक डाई हार्ड फैन हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत, और जो है वो डाई हार्ड फैन है इमरान खान के, तो उनसे पूछते हैं कि ये हकीकी आज़ादी से क्या मतलब है इनका, और ये एक समझ लें कि एक तरह से ये जो मैं उनसे पूछ रहा हूँ ये एक तरह से आप ये समझ लें कि एक सैंपल है, जिस तरह रिसर्च में आप एक केस स्टडी होता है या एक सैंपल होता है कि आप लोगों से राय जो लेते हैं, तो ये समझ लें कि एक तरह से ये एक इमरान खान के डायहार्ड फैन हैं और वो क्या समझते हैं, उनकी क्या राय है कि जो इमरान खान जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि हकीकी आज़ादी की, तो उसका क्या मतलब क्या है हकीकी आज़ादी का। तो एक इंसाफियन से, एक पीटीआई के सपोर्टर से हम ये पूछते हैं जो डायहार्ड फैन है इमरान खान के, कि वो जो इमरान खान की कॉल है उसको किस तरीके से लेते हैं और उसकी एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग क्या है, देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, खैरियत से हो भाई? अमर, आप बताओ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र यार। ये मैं एक सवाल मेरे जहन में आया था तो मैंने सोचा कि वो आपसे पूछूं, चूंकि आप वो इमरान खान के डाई हार्ट फैन हैं, तो मेरा सवाल ये कि जो इमरान खान जो ये कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी की जो तहरीक चला रहे हैं ये, और उसके लिए अभी आज से इमरान खान से शायद जलसे भी कर रहे हैं वो, तो ये हकीकी आज़ादी क्या से मतलब क्या है इसका? किस लिहाज से गुलामाना सोच है क्या? देखो, हर चीज की गुलामी है भाई, आप में पॉलिटिकल गुलामी से लेकर आप बीवी की गुलामी तक आप गुलाम हो। अरे, तो किस चीज के गुलाम है, किस चीज के गुलाम है यार? बस गुलाम है ना, आप समझ नहीं रहे हो। किससे आज़ादी चाहिए, किस तरह की ज़हनी गुलामी, वो बहुत ही कैटेगोरिकली डिफाइन तो करें यार आप। यार मैं कर रहा हूँ ना, आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपके हम गुलाम हैं, आप समझ रहे हैं, गुलाम कैसे कहते हैं आप बताओ भाई? गुलाम उसको कहते हैं जो यस मैन हो, जो हाँ में हाँ मिलाए, जो कोई क्वेश्चन कोई क्वेश्चन ना करे, जो अपनी 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 लीडरशिप, जो लीडरशिप जो बोले, जो उसका लीडर बोले उसको मनो अन मान लें, ये है वो ज़हनी गुलामी, ठीक है? तो अच्छा, तो भाई बात सुन, मेरा एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है मेरा, क्या जो आपके लीडरशिप को 3.5 साल मिले, आपने क्या उस पर क्वेश्चन किया कि सर आपने ये 3 साल 3.5 साल क्या किया, क्या आपने गुड गवर्नेंस की, क्या आपने हमारे कर्जे उतार दिए, क्या आपने हमें जो IMF से जो हम कर्ज़ा लेते हैं क्या आपने हमें उससे आज़ाद करवा दिया, क्या हमें आपने कोई और ऐसा एवेन्यू बनाया? आज भी हमारा एक्सपोर्टर जो है ना, पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टर है वो अमेरिका की तरफ देखता है, वो यूरोपियन यूनियन की तरफ देखता है, वो यूरोप की तरफ देखता है, क्या आपने आपने अपने क्वेश्चन अपने अपने लीडर से ये सवाल किया कि आपने इन 3.5 सालों में हमें उन कोई नया वेन्यू आपने हमें डिस्कवर करके दिया हो, कोई इस तरह कोई आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई, सुन ले यार, कोई एक्सपोर्ट बढ़ाई हो आपने, कोई आपने इस तरह के काम किए हो कि हम जो है वो कर्जे नहीं लेंगे अब आइंदा जो उनकी गवर्नमेंट आएगी, या आपने अब जो फैक्ट्स है वो ये है कि PP ने अपनी गवर्नमेंट में तकरीबन 127 बिलियन रुपीज़ कर्जे लिए थे, PMLN ने अपनी टेन्योवर में तकरीबन 238 बिलियन रुपीज़ कर्जे लिए थे। अच्छा, ये जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये है पर डे के हिसाब से, मतलब 127 बिलियन रुपीज़ पर डे, 237 बिलियन रुपीज़ पर डे जो इनकी जो गवर्नमेंट आई थी PTI की, उन्होंने 517 बिलियन रुपीज़ पर डे के हिसाब से कर्जे लिए हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि यार ये किस तरह की गुलामी से आज़ादी चाहिए, उन्होंने तो हमें और ज़्यादा गुलाम कर दिया। मेरा सवाल ये है कि आपने क्या अपनी लीडरशिप से ये पूछा कि आपने सर गुड गवर्नेंस क्यों नहीं की, आपने ये कर्ज़ों से हमें क्यों नहीं निजात दिलाया इन 3.5 सालों में, चले निजात नहीं दिलाया, आपने कौन कौन से ऐसे स्टेप किए कि आइंदा सालों में हम कर्ज़ों से आज़ाद हो जाएंगे, ये सवाल किए आपने? देखे नहीं, मेरा सवाल है कि ये सिर्फ हाँ या ना मैं बता दूँ कि आपने ये सवाल किए हैं। मतलब हाँ, तो मतलब आपको आज़ाद नहीं कराया ना उन्होंने, आज़ाद नहीं कराया आप? हाँ, पिछली हुकूमत से किया, बिल्कुल किया,
बिल्कुल किया पिछली पिछली गवर्नमेंट हाँ रिकॉर्ड मैं पिछली बात भाई मेरी बात सुनो है ना आप मेरी बात सुनो है पिछली पिछली लीडरशिप पे पिछले लोग पिछले आने वाले जो उन सब पे शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म हुआ था पीपी की गवर्नमेंट में अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म हुआ था पीएमएलएन पे शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप जो बात कर रहे हैं ना कि आप जो है वो ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद लोग आप ये कहते हो कि आप लोग पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद हैं, तो भाई आप ज़हनी ग़ुलामी से अगर आज़ाद हैं तो आप अपनी लीडरशिप पे तनकीद क्यों नहीं करते? आप तो आज़ाद हो ना, आप तो ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद हो। कहाँ ये नहीं ये आपने नहीं दी है, सॉरी टू से भाई आपने एक लॉ बनाने जा रहे थे उसका नाम था पैका, शायद आपको नहीं पता होगा वो पैका एक लॉ बनाने जा रहे थे, उस लॉ के जरिए आप इस पे आज़ादी सहाफत पे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कदगन लगाने जा रहे थे, वो तो फिर होने नहीं दिया वरना आपकी लीडरशिप जो थी वो इसको भी हमारा गला घोट देती। तो ये आपको नहीं पता ना, आप मसला सारा ये है बस ये यही तो बात है ना, बस ये ऑन द रिकॉर्ड आप बात कह रहे हो ना। नहीं नहीं लिमिट है, ऑलरेडी लिमिट है, ये क्रिटिसिज्म सब पे होता है। जो मार्गरेट थेचर जो है वो एक यूके की बड़ी वेल नोन प्राइम मिनिस्टर रही है, तो उसने जो है जब वो इकतदार में आई तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि जो जर्नलिस्ट थे जिन लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज़ किया उन लोगों को बुला के सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा किया कि यार ये तुम्हारी क्रिटिसिज्म की वजह से जो है ना वो मैं आज प्राइम मिनिस्टर बनी हूँ। सही है, ये होती है असल में लीडरशिप, लीड जो एक्चुअली बस अच्छा अमरीका की गुलाम भाई अमरीका की गुलामी आप कैसे उससे छुटकारा हासिल करो? आईएमएफ से आप कितनी बार गए हो आईएमएफ के पास? आप आपकी गवर्नमेंट जो है अरे तो कैसे करोगे? वो प्रोसेस क्या होगा, वो मेथड क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी लीडरशिप पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप वो जो आपको जो उन्होंने एक चूरन दिया है वो ये आप सवाल तो करो उनसे कि आप सवाल करो। नहीं नहीं आप अपनी लीडरशिप से सवाल ही नहीं कर रहे हो। नहीं 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 वो कॉल सारी प्लांटेड होती हैं, सब प्लांटेड है, हम सब वो सब पता है कैसे यार मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं 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 वो सब प्लांटेड होता है, वो सब पता होता है। लाइव आया अगर लाइव आया तो जितना लोगों के अंदर गुस्सा है ना वो सारा निकल जाए, वो प्लांटेड होता है सारा। अच्छा मुझे गुस्सा नहीं है। नहीं नहीं लोग ये 22 करोड़ आवाम का 0.01% भी नहीं है जो निकलता है। नहीं कोई नहीं निकलता। अभी 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 मार्च आ जाए, अभी कब अब कॉल दिए ना उन्होंने, कॉल दिए ना उन्होंने आपके इमरान खान साहब। अच्छा देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, देख लेंगे। हाँ अच्छा अच्छा नहीं निकलेंगे, मैं कह रहा हूँ ना नहीं निकलेंगे। अच्छा कितना क्लेम किया है आपकी लीडरशिप, कितना क्लेम किया है? नहीं फिगर्स ही तो असल गेम, फिगर्स का ही तो है और क्या, मैं कैसे मानूंगा? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि दो चार बंदे निकलने से कोई आप ये नहीं कह सकते कि पूरा पाकिस्तान आ गया है भाई। दो चार बंदे निकलेंगे ही मैं कह रहा हूँ, लेकिन पूरा पाकिस्तान ही निकलेगा। और नजरिए क्या है, आपको यही नहीं पता कि आज़ादी किस चीज से चाहिए? यार थोड़ा जो है वो अपनी लीडरशिप पे आप ज़हनी तौर पर आज़ाद, आप गुलाम, आप कहते हो कि ज़हनी तौर पर गुलाम नहीं हो, आप ज़हनी तौर पर गुलाम हो, आप अपनी लीडरशिप पे क्वेश्चन नहीं करते हो। जो कौम नहीं 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 भाई नहीं कोई नहीं 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 आप अपनी लीडरशिप से सवाल ही नहीं करते, नहीं करते।
अरे मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ज़हनी गुलाम हो, मैं ये कह रहा हूँ। तो वैसे भी लोग गुलाम ही है। मानते हो तो मानते हो ना, क्या ज़हनी गुलाम है? आप मतलब मान रहे हो कि हम अमेरिका से पीछे नहीं हट सकते, हम गुलाम हैं तो रहेंगे गुलाम। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपके लीडर ने ये कहा है कि हम पीछे हटेंगे, तो वो प्रोसेस क्या है हटने का? हम नहीं हट रहे पीछे। अरे मैं पूछ रहा हूँ, हटोगे ना, हटोगे या नहीं हटोगे? नहीं हटेंगे, लीडर हमारा नहीं हटेगा भाई। अबे मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका से आज़ादी चाहिए ना आप लोगों को, कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई। तो प्रोसेस क्या होगा वो? प्रोसेस अभी हम ऊपर पे आएंगे तो बताएंगे। साढ़े तीन साल गुलाम रहे, 3.5 साल अमेरिका के गुलाम रहे। मतलब 3.5 साल आप मानते हो ना कि आपने गुलामी की है? यार बस देखो, वो बातें आप नहीं मानो, वो तो अच्छा, वो सब खराब, वो सब मतलब मानो, एक बार क्लियर कट मानो कि हाँ ठीक है भाई, हमने गुलामी की है 3.5 साल। मैं वो सबको छोड़ो यार भाई, सबको छोड़ो, मैं तो सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। मैं तो आप जो पवित्र हो ना, आप जो क्लीन और साफ सुथरे और पवित्र जो, आप मेरी बात नहीं मानते। हम बोल रहे हैं कि हम 47 से गुलामी कर रहे हैं, आप जो 3.5 साल का बोल रहे हो, आपने की 3.5 साल गुलामी की है भाई, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ यार, आप यस और नो में बता दो आंसर। अच्छा, वो कर्जे IMF से, IMF के भाग भाग के कौन गया है? भाई यार वो जो है, वो क्या कहते हैं, एक 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 अगर 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 सुन लो सुन लो अच्छा 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 अब जब आप आओगे तो आपकी जेबें भरी भी होंगी। यार कसम से, मैं ये इस वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैं ये जानूं कि जो PTI वाले हैं वो जो ब्लाइंड फॉलोइंग होती है ना, वो करते हैं। और ये आपने बता दिया कि आपके पास कोई सॉलिड प्रॉपर प्रैग्मैटिक आंसर नहीं है आपके पास। पार्टी का फॉलोअर, वो ब्लाइंड फॉलोअर है? नहीं, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं, नहीं 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 नहीं। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं स्टेट को फॉलो करता हूँ, स्टेट को, गवर्नमेंट को नहीं करता। जो गवर्नमेंट स्टेट के लिए अच्छी है मैं उसको सपोर्ट करूंगा, जो गवर्नमेंट स्टेट के अगेंस्ट काम कर रही है मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं स्टेट को फॉलो करता हूँ, गवर्नमेंट को नहीं। एक 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 नहीं 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 कोई नहीं कोई नहीं। अब आप जज्बाती हो रहे हैं। देखें, जो जब दलाइल खत्म हो जाते हैं ना, सुन ले, जब दलाइल खत्म हो जाते हैं तो फिर जज्बातियत आ जाती है। तो भाई ये था यार, ये इस कॉल करने का मकसद ये था।